सो हेलो गाइस, ये मेरा प्लाटिना एज गियर है एंड ये मैं कल ही परचेस किया हूँ। और अब गाड़ी का एक ओवर लुक देख लीजिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। कम्यूटर सेगमेंट के बाइक के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ इसको। इसका साइड लुक देख लीजिए, साइड लुक बहुत बढ़िया है इसका। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे प्लाटिना का बैजिंग मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा रबर कट मिल जाएगा एंड ये लेग गार्ड थोड़ा छोटा हो गया है फिर भी ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पे DTSI लिखा हुआ है। और इसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है। और जो ये शॉकर है, शॉकर भी बहुत अच्छा है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक है। फ्रंट टायर एंड रियर टायर सीएट का मिल रहा है और ये दोनों ही ट्यूबलेस हैं। यहाँ पे एक टायर हगर मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। जो टेल लाइट भी बहुत अच्छा है। और ये जो इंडिकेटर है, ख़ास करके ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर बहुत अच्छा है दिखने में, एकदम प्रीमियम सेगमेंट के बाइक में लगाया जाता है ये सब। एंड यहाँ पे सीट में अगर देखें तो सीट में सीट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। यह कॉम्फर्टेक का बैजिंग भी है। और फुट रेस्ट देख लीजिए, फुट रेस्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, एकदम लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है एकदम। और ये जो इंजन है, इंजन एक बार देख लीजिए, 115 सीसी का इंजन है, फिर भी इसमें 110 सीसी लिखा हुआ है। और आ जाता है इसके टैंक में, टैंक थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन अगर टैंक थोड़ा सा मोटा दे दिया जाए तो ये फुल पैकेज हो जाएगा। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाता है, तो ये आपके सामने इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी डिजिटल। सो ये आपका गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। ये इंजन मालफंक्शन है और यहाँ पे फ्यूल गैस दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कितना किलोमीटर। सो ये है गाड़ी का इंडिकेटर जो, और ये है हाई बीम लो बीम, ये जो है ये पार्किंग स्विच, ये हॉर्न है। हॉर्न एक बार सुना देते हैं आपको। सो हॉर्न काफ़ी अच्छा है। और इधर एलईडी लाइट, ये रनिंग एलईडी लाइट है, चलता रहेगा। और ये देखिए, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, हेडलैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो इंजन स्टार्ट स्विच है, तो एक बार सेल्फ मार के देख लेते हैं, इसका एग्जॉस्ट नॉट सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका एग्जॉस्ट नॉट एक बार सुन लेते हैं आप। तो जैसे कि आप सुना कि इसका एग्जॉस्ट नोट में पहले थोड़ा सा वाइब्रेशन था, तो अब तो उतना भी नहीं है, एकदम स्मूथ है। आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत स्मूथ गाड़ी है, एकदम गाड़ी बनाया है। तो माइलेज भी बहुत अच्छा दे देता है आपको, 70 to 75 मिल जाएगा। वैसे भी कंपनी क्लेम कर रहा है कि 84 km/h का, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका आपका राइड करने के ऊपर में, ठीक है। तो ओवर बाइक का लुक यही है। और अगर ज़्यादा और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है वहाँ पर। ओवर लुक यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।